हालेलुया 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 पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नजदीक में आते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक तूने संभाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचा कर रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने पड़ी कि हम पिता परमेश्वर परेशान में रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें हर विपत्तियों से, हर समस्याओं से बचाया। इस बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उस विपत्ति में नहीं पड़े कि हम पड़े ही रह जाएं, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें हर प्रकार की परेशानियों से, तकलीफों से, विपत्तियों से छुड़ाया। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इस संध्याकालीन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन आज हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, वो हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो, इसलिए हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी बड़ी दया है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हम पर अनुग्रह करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें संभाल कर रखा, जीवित रखा और विश्राम के समय में प्रवेश कराया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रब शंदा रब नला रब रिका नला रथी नला रदा नला रब। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आप जितने भी सपनों और बुरे सपनों से डरते हैं, कई प्रकार के सपनों से डरते हैं, आपको नींद नहीं आती है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है वह अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रब शंदा रब नला रब। मेरे प्रियो, आप जितने भी बुरे सपनों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, आप किसी से नहीं डरोगे, परमेश्वर आपका शरण स्थान है। और जो भी परमेश्वर पिता को अपना धाम मान लेता है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसका 9 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के शरण में आइए, जिसके शरण में आशीष है, जिसके शरण में प्यार है, जिसके शरण में बचाव है। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आज जाइए, परमेश्वर पिता को अपना धाम मान लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमें हर विपत्तियों से बचाएगा, सारे संकट से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। आप जितने भी सपनों से डरते हैं या अंधेरे से डरते हैं, आज के बाद आपको कोई डर नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वचन कहता है तू ना रात के भय से और ना दिन के जो उजाड़ने वाले शैतान की शक्तियों से डरोगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रब शंदा रब नला रब। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। प्रभु के चरणों में आज जाइए मेरे प्रियो। प्रभु आपको मीठी नींद देंगे, आपसे बातचीत करेंगे स्वप्न और दर्शन के द्वारा। शर्त यह है कि आप प्रभु के पास आइए, प्रभु के नजदीक में आइए, प्रभु के चरणों में आइए, उसे अपना धाम मान लीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि जो कोई उसको अपना धाम मान लेता है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रब शंदर बनला रब रिका नला रथी नला रद बनला रब। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। और पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंप दे तो प्रभु, हर एक जन को तू छू ले, आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, अपना विशेष से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। और परमेश्वर पिता, उन्हें हिम्मत याद शक्ति दे, सामर्थ दे, यीशु मसीह के नाम से। जिस स्थान से प्रार्थना हो रही परमेश्वर, उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दे, आपके महिमा के ज्ञान से भर दे। जिस प्रकार ये समुद्र जल से भरा है खुदा, ये लोग, ये पृथ्वी आपकी महिमा के ज्ञान से भर जाए, ऐसे लोग प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा। प्यारे परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो रात से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, सपनों से डरते हैं, अंधकार की शक्तियों से डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, तूने बचा ले। तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे खुदा, आपके दूतों को भेजकर रक्षा कीजिए, उन पर कोई भी विपत्ति ना पड़ने पाए, उनके ऊपर कोई भी संकट ना आने पाए। यीशु प्रभु, तू बचा ले तेरे लोगों को, बचा ले प्रभु, आशीषित कर खुदा। मेरे खुदा, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमारी के हालत में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर कमजोर है शारीरिक रूप से, जिनको कुपोषण हुआ है पिता परमेश्वर, वो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनके हड्डी हड्डी नस नस को तू छू लीजिए और वो कार्य करने वाली बन जाए और उठ खड़े हो जाए। हर एक जन जो चल नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बोलने लग जाए, चलने लग जाए और आपकी महिमा करने वाला बन जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर और परमेश्वर के ऊपर कोई विपत्ति ना आने पाए। प्रभु तू दया कर, आशीषित कर खुदा। हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, सीरियसनेस में है परमेश्वर, गंभीर हालत में है पिता परमेश्वर, तूने चंगाई दे प्रभु, उठाकर खड़ा कीजिए, अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और चंगाई दीजिए खुदा। अभी इसी वक्त छू लीजिए खुदा, तू चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे खुदा। यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित थे, एचआईवी से पीड़ित थे, टीबी से ग्रसित थे, शुगर से पीड़ित थे, थायराइड है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, किडनी स्टोन हुआ है, पथरी हुई है परमेश्वर, रीढ़ की हड्डी खराब है, बच्चेदानी खराब है। पिता परमेश्वर तू चंगाई दे, चंगाई दे परमेश्वर, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। यीशु के नाम में छू लीजिए और चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए खुदा। तो छू ले खुदा, तो छू ले परमेश्वर यीशु के नाम से। हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, तूने प्रार्थना को सुन लिया। उन अनाथ और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका तू सहारा है खुदा। उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए परमेश्वर, आशीषित कीजिए।
पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके लिए तू मार्ग को खोल दे, मार्ग को खोल दे खुदा, और आने वाले दिनों में उनके पास जॉब रहे, बिजनेस रहे, और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं खुदा। तो आशीषित कर, आशीषित कर तेरे लोगों को, जॉब दीजिए खुदा, उनको तू सिलेक्ट कीजिए परमेश्वर, उनके लिए तू योजनाओं को सफल कीजिए खुदा। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते, ताकि पिता परमेश्वर उनके सारे कर्जे खत्म हो जाए, जो कर्ज के बोझ से दबे हैं उनका कर्जा खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तू दया कर, तू रहम कर, तू आशीषित कर खुदा। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो पति पत्नी अलग है परमेश्वर, परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है परमेश्वर, पति पत्नी एक साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे और आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु। दया कर, दया कर, जितने भी पति पत्नी अलग है उनके बीच में से लड़ाई झगड़े पाप अपराध व्यभिचार खत्म हो जाए, और आने वाले दिनों में वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे से प्रेम करे, और दोनों मिलकर आपकी महिमा करे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। टूटने और बिखरने से बचा ले, हाँ खुदा, हाँ रब्बा, हाँ पिता, तुम प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया रब्बा, शंदरा बना ले रब्बा, रिका ना ला रा थी ना ला रा दा ना ला रब्बा, ओ हुठा ना ला रा थी ना ला रब्बा। परमेश्वर तू चंगाई दे, परमेश्वर तू अभिषेक से भर दे, तेरे लोगों को विपत्तियों से बचा ले खुदा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासर के नाम से। मेरे प्रियो, जिन होने परम प्रधान को अपना धाम मान लेता है उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर पिता को अपना धाम मान लीजिए, अपना शरण स्थान मान लीजिए, उसके परों के नीचे आइए, परमेश्वर आपको शरण देगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, विपत्तियों से बचाएगा, उन तीरों से बचाएगा, उन अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, उन महारोग से बचाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ खुदा, हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जिनके पास कोई औलाद नहीं, आने वाले दिनों में उनके औलाद उत्पन्न होने पाए, उनके औलाद उत्पन्न होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। किसी भी हालत में पिता परमेश्वर उनके को खुल जाए प्रभु यीशु, आप दया करें, रहम करें, चंगाई दीजिए, गुप्त रोग खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, दोनों पति पत्नी के बीच में से सब प्रकार की पिता परमेश्वर जो कमजोरी है वो खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। दोनों पति पत्नी को अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, और परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में उनके पास वंश होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं खुदा। हाँ पिता, हाँ रब्बा, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, जो कोर्ट के केस में फंसे हैं उनको तू छुड़ा ले, बचा ले परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हाँ खुदा, हाँ रब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर, तेरे दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीषित कर खुदा, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा परमेश्वर, तेरे दासों के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा कई आत्मा बचा लिए जाए, जो तेरे नाम से सताए जा रहे परमेश्वर, उन्हें हिम्मत हिया दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि तेरे वचन को लेकर खड़े रहे प्रभु, आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हमारे किसान भाइयों को आशीष दे परमेश्वर, हमारे किसान भाइयों के जीवन में से सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं और कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष कर खुदा, समय पर बारिश भेज, ताकि समय पर बुआई हो जाए खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थना को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आपने को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी सन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, जिन्होंने भी परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी और ना कोई दुख उसके डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा और परमेश्वर पिता उनको आशीषित करेगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए और परमेश्वर पिता को अपना धाम मान लीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।